वेलकम बैक 75 हार्ड चैलेंज डे 29 में आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज का ब्लॉग जो है ना काफ़ी मज़ेदार होने वाला है बिकॉज आज का मौसम जो है ना काफ़ी खुला खुला है एंड काफ़ी अच्छा सा फील हो रहा है। सो गाइस अब सीधा चलते हैं हम अपने वर्कआउट पर बिकॉज ज़्यादा बात करने से ना फिर से थकने का परेशानियाँ शुरू होगा। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है, सही वक्त पे कट लेना चाहिए नहीं तो गिले शिकवे होने लगते हैं। बस फाइनली हम लोग का रनिंग प्लस वर्कआउट भी हो चुका है एंड वापस फिर मुझे दौड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा इस तरफ। सो गाइस अब थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं 5 मिनट का देन फिर रनिंग के लिए निकल जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ एंड फटाफट जाएंगे घर। नो को कंप्लीट ही करने वाला हूँ ऑलमोस्ट एंड हमारे चुटकी देखिए यहाँ सो रहा है एंड हमारे फैमिली मेंबर पे जो बीमार था ना वो भाई ये बॉडीगार्ड है। ये किसका बॉडीगार्ड है, किसका बॉडीगार्ड है तुम हैं? वो इन्हीं का बॉडीगार्ड है, यहाँ में जो छोटा सा मेंबर है ना उसका बॉडीगार्ड है। तुम जब तक बीमार रहेगा तब तक तो क्या करेगा, बॉडीगार्ड बना रहेगा। बट से अब चना खाते हैं और ये जो मैं बचाता हूँ ना मैं दीदी के लिए बचाता हूँ क्योंकि मेरा डाइट पे ना अब दीदी भी ज्वाइन हो चुका है। पता नहीं आप कितना कितना लोग ज्वाइन होगा, आप भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे जाके आई वांट टू ज्वाइन विथ यू बोल के मार दीजिएगा देन उसके बाद ज्वाइन हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अगर वीडियो पे नहीं हो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब का बटन जो है ना दबा के रखेगा एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन पूरा का पूरा ऊपर करके रखेगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है ना बहुत जल्दी आते रहेगा और रेगुलर ब्लॉग जो है मैं डालता रहूंगा जब तक मेरा 75 हार्ड चैलेंज कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद तो भाई अलग ही आतंक मचाएंगे, पता नहीं क्या पागल करूंगा मैं, मुझे कुछ पता नहीं मैं पागल हो जाऊंगा उस समय एंड कुछ करने के लिए ना पूरा पागल होना ही पड़ता है। तो समझ लीजिए कि आप आफ्टर 75 वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे कुछ क्रेजीएस्ट चीज क्योंकि आदमी को देखते देखते भाई हंसते हंसते पेट दुख जाएगा। वो लोग ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, फटाफट फ्रेश अप होकर मैं फटाफट जा रहा हूँ क्योंकि आज मुझे ही खोलना पड़ेगा दुकान। तो ऐसे धीरे धीरे से आज मैं शॉर्टकट रास्ता से आया हूँ, फटाफट से झाड़ू मार के ख़त्म कर लिया एंड चूहा जो है ना ये पूरा तेल गिरा दिया यार यहाँ पे। यहाँ पे आते यहाँ पे खा के ना पूरा सब यहाँ गिरा देते हैं भगवान का, ये सब भी कहाँ कहाँ का ये चीज़ लोग है ना सब यहाँ गिरा देते हैं। कचरा काफ़ी ज़्यादा था बट सफा कर लिया मैंने फटाफट एंड इसे क्या करना है अब कागज से ऐसे चेप देते हैं यहाँ पे कागज का, ये दो कागज इस पे लगा देंगे इसे। ओ भाई बहुत जल्दी सूख लिया इसे, बहुत ही अच्छा खासा हम लोग क्रिएट कर देते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं पहुंच चुका हूँ घर एंड अभी फटाफट से लंच करेंगे एंड उसके बाद फिर जाएंगे शाम को आके सीधा वर्कआउट पे जाने वाले हैं हम लोग।
काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, फटाफट जाएंगे घर, काफ़ी ज़्यादा रात भी हो रहे हैं, फटाफट जाएंगे टेबल। गैस काफ़ी ज़्यादा गर्म था तो फटाफट से मैंने हाथ मुंह धुला लिया एंड अब निकलेंगे फटाफट से। मेरा बसंती भी रेडी हो चुका है एंड फटाफट से घर निकलेंगे अभी। एंड वर्कआउट जो है हम आज घर जाके ही करेंगे, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है ना, इस वजह से अब यहाँ करने नहीं सकूँगा, मुझे घर जाके ही करना पड़ेगा। गाइस आज पूरा मूनलाइट पूरा निकल के बैठा हुआ है, मैं अभी आधे रास्ते पे हूँ, जा रहा हूँ फटाफट से। मूनलाइट एकदम फ्रंट पर है मेरा एंड मैं आलूबाड़ी ब्रिज पे हूँ, अब जा रहा हूँ घर की ओर। वैसे अभी एग्जैक्ट 9:30 बज चुका है एंड अभी मैं पहुँचा हूँ बैग एंड अभी तक कपड़ा भी नहीं खोया, थोड़ा सा रेस्ट ले रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा थक गया एंड फिर अभी वर्कआउट भी बाकी है।